इसमें एक बड़ा बूस्ट मिला खिलाड़ियों को, इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है और इसमें हमें नया टैलेंट उभर कर आया जो हम नेशनल मैप पे कोशिश करेंगे उसको लाने के लिए। और इसमें ओवरऑल अगर पार्टिसिपेशन देखेंगे 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी और इसमें जिनके पुलिस और जे एंड के वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने ये इनिशिएटिव लिया, ऐसे टूर्नामेंट्स में हमें एक बड़ा बूस्ट मिलता है खिलाड़ी को जो नेशनल से पहले, तो इससे ना कि स्पोर्ट्स की प्रमोशन होती है बल्कि इसमें टूरिज्म प्रमोशन होगी और ये जो झील है इस एक्टिविटी से साफ सुथरा रहेगी। तो मुझे लगता है आने वाले दौर में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ से निकले जो ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर का नाम रोशन करें और कंट्री का नाम रोशन करें। मैम आज हम बात करेंगे, ज़्यादातर यूथ ड्रग की तरह खींचा जा रहा है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मेरी मैसेज यही रहेगी, गवर्नमेंट से भी स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी बनाइए। अगर हमें बच्चों को बुराई से दूर रखना है तो स्पोर्ट्स को स्कूली सतह पे हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी। लाइक आई वॉज इन बर्मिंघम, मैंने वहाँ पर देखा 3 स्पोर्ट्स कंपलसरी थे, वन वॉज जिमनास्टिक, स्विमिंग एंड एथलेटिक्स। जब हम एक फाउंडेशन देंगे एक प्लेयर को स्कूली सतह पर, मुझे लगता है हम इन चीज़ों से उनको दूर रख सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में प्रोफेशनल वे में प्लानिंग करनी चाहिए और स्कूली सतह पे, मैं फिर से बोलूँगी स्कूल लेवल पे हमें गेम्स को जैसे हमने इंपॉर्टेंस बनाया मैथ्स इंग्लिश, वैसे ये सब्जेक्ट भी कंपलसरी होना चाहिए, तभी हम बच्चे को इन बुराइयों से दूर रख सकते हैं। जैसे ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हमारा यूथ इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, हमारी कोशिश रहनी चाहिए। लाइक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, बींग मतलब मैं इसी रियासत से हूँ, मेरी भी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को मैं इन्वॉल्व करूँ इस एक्टिविटी में, उनको मौका दे, उनको एक प्लेटफॉर्म दे, आगे लाए उनको नेशनल मैप पे। लड़कियाँ भी इसमें हिस्सा ले रही है जिसने डल में, जो बाकी लड़कियाँ जो आगे नहीं आ रहे हैं, तो मुझे बताइए मैम आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मेरी मैसेज यही है कि किसी भी फील्ड में अगर जाती है लड़की, देखो इतना आसान नहीं होता लड़की के लिए किसी भी फील्ड में आना। मैं अपनी बात करूँगी, मेरा जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ मेरे घर के दरवाजे से स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपके पास जब आप फोकस रहोगे और अपने आप पे भरोसा रखोगे और जो आपका टारगेट है उसको अचीव करोगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी लड़कियाँ हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो चाहे कहीं पर भी हो, उनको फोकस रहना चाहिए, टारगेट बनाना चाहिए। उनको गिराने की कोशिश बहुत करेंगे मगर जब तक वो अपने आप को साबित नहीं करेंगे लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चले मैम।